सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने त्रिवेंद्र रावत को गैरसैंण में जमीन खरीदने के मामले में घेरते हुए तंज कसा है कि मुख्यमंत्री ने कोलंबस से भी बड़ी खोज कर दी। गैरसैंण में जमीन खरीद कर कैसे रोकेंगे पलायन, सीएम जरा ये भी बताएं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव ओम प्रकाश सिंह से मिला। राज्य में आ रही आपदा व्यवस्थाओं के लिए सौंपा ज्ञापन। ये क्या नाम दिव्य आपदा में मैं स्वयं जो है कई जगह गया था, तो वहां पर मैंने देखा। मैं खास तौर से मैं देहरादून के राजपुर रोड में सिग्नल पर खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई। गाड़ी में सवार ड्राइवर ने गाड़ी से भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत ये रही कि आग पर किसी तरह काबू पा लिया गया। क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है भाई, देख तो। देहरादून नगर निगम में फिर फटा कोरोना बम। उपनगर आयुक्त हुए कोरोना संक्रमित। ये नगर निगम में कोरोना का दूसरा मामला है। उपनगर आयुक्त के संपर्क में आने वाले कर्मचारियों की भी जांच कराई गई। फिलहाल नगर निगम को 2 दिनों के लिए बंद करा दिया गया है। प्रदेश में हो रही बारिश से आम जन जीवन पर ब्रेक लग गया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि रिहायशी इलाके भी जलमग्न हो गए हैं। सभी जिलों में बारिश से हाल बेहाल है। अस्पताल हो या घर, सभी जगह पानी घुटनों तक भरा पड़ा है। पहाड़ में तो और भी स्थिति नाजुक है। इस संकट में लोग सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। बारिश से बिगड़ते हालातों पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। जिलाधिकारी को कल शाम मैंने बुलाया था और उनसे कहा गया है कि आप उसके लिए एक योजना बनाएं। जो एक्सपर्ट हैं ड्रेनेज सिस्टम के, सिंचाई विभाग है या कोई अन्य, कोई हमारे पास कोई और एक्सपर्ट कोई इंजीनियर है, तो उसको लेकर के प्लान बनाएं, ताकि जो अतिवृष्टि के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनको कम किया जा सके। हर तरह की आपदा से निपटने के लिए सरकार द्वारा जिलाधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। बारिश के पानी भराव को लेकर सीएम ने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देशित किया है कि नदी नालों पर हुए अतिक्रमण को जल्द हटाया जाए और यहाँ से लोगों को अतिशीघ्र विस्थापित किया जाए। लोक संस्कृति कलाकारों ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने पहाड़ी संस्कृति की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने उत्तराखंड की बढ़ती लोकप्रियता पर खुशी जाहिर की और कलाकारों को संस्कृति जिंदा रखने का आधार बताया। अग्रवाल मंडल विकास निगम अपनी बदहाली से जूझ रहा है। मौजूदा कोरोना काल में मंडल की आय के मुख्य स्रोत बंद पड़ चुके हैं। मंडल को पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 30 करोड़ का नुकसान हो चुका है। कुछ नहीं तो बहुत कम भी हम एस्टीमेट मान के चले तो जीएमवी में करीब हम कह सकते हैं कि 30 करोड़ की हुई है, जिसमें मेजर तो पर्यटन का लॉस हुआ है, कुछ जो कमर्शियल सिलेंडर्स वगैरह की बिक्री होती है तो मार्केटिंग का लॉस है, सिमिलरली माइनिंग का भी लॉस हुआ क्योंकि कुछ समय जो बाधित रहा तो उसमें कई थे जो कर नहीं पाए, जब खुला तो मार्केट की वजह से भी कुछ लॉसेज रहे हम लोगों को। उत्तराखंड में एक बार फिर 72 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बदलते मौसम के कारण मुश्किलों से घिरे उत्तराखंड में 20 तारीख को कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली में भारी बारिश की संभावना है। कभी उत्तराखंड को रुमानी करने वाली बारिश आज मुश्किलों का सबब बनती जा रही है। नमस्कार, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, 18 तारीख आज अगस्त की है। अभी 2 से 3 दिन अगर देखें तो पूरे प्रदेश में जो बारिश की एक्टिविटी वो ठीक ठाक रहने वाली है। 18, 19 और 20, ये 3 दिन अगर बात करें तो हल्की से मध्यम बारिश तो जहां ज़्यादातर जगहों में प्रदेश में देखने को मिलेगी, उसके साथ हैवी से वेरी हैवी रेन्स भी कहीं कहीं पर वो भी देखने को मिलेगी। खासकर हैवी टू वेरी हैवी रेन्स की बात करें तो हमारे जो पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली डिस्ट्रिक्ट है, इनमें 2 दिन जो है खासकर ये ज़्यादा एक्टिविटी है। और उसके बाद अगर देखें तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जो आप 20 तारीख को अगर बात करें तो उसमें मैं कहूँगा रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट भी, तो उसमें भी जो है 20 तारीख को उनमें भी हैवी वेरी हैवी रेन की संभावना है। इसी तरह जो और डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखें तो इसमें देहरादून है या फिर आप नैनीताल है, टेहरी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं या हरिद्वार भी है, तो इनमें भी संभावना है कि एकाधुका जगहों में भारी बारिश जो है ये 18 से लेकर 20 तक का जो पीरियड है इसमें देखने को मिलेगी। तो यही मैं कहूँगा, अच्छी बारिश अभी 3 दिन जो है प्रदेश में है,
और मेन एक्टिविटी जो जैसे हमने बोला जो अंदर के तीन डिस्ट्रिक्ट हैं पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर, तो इनमें ज़्यादा संभावना है कि हैवी से वेरी हैवी रेन्स जो यहाँ पे कुछ जगहों में देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे सतर्क रहने की लोगों को ज़रूरत है।